हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? कोई परेशानी तो नहीं ना? ओके बच्चों, आज हम लोग स्टडी करने लगे हैं 10th क्लास का। हमारा ये चैप्टर 2 है, जिसको आप लोग 10th चैप्टर बोलते हो, 10वां चैप्टर। ये हमारा पहला फर्स्ट आर्टिकल है जिसमें हम लोग पढ़ने लगे हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हिनियस, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और हम इस टॉपिक को बोलते हैं आर्हिनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आर्हिनियस के मुताबिक एसिड क्या है और उसके मुताबिक बेस क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में, शॉर्ट भी पूछ सकता है। इसके अंदर भी क्वेश्चन एक है जो कि बहुत मोस्टली पूछा होता है, लिमिटेशंस क्या हैं आर्हिनियस। तो आज हम इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट आर्हिनियस ने दिया 1787 में, 1787 में ये कॉन्सेप्ट दिया। तो पहला पॉइंट हम यही लिख लेते हैं, आर्हिनियस गिव दिस कॉन्सेप्ट इन 1787। इसके मुताबिक एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, आओ हम। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि इसके मुताबिक एसिड क्या होता है। तो हम हेडिंग लगाते हैं एसिड। बच्चों याद रखना, आर्हिनियस कहता था कि जब किसी सब्सटेंस को आप वाटर में डालो, पानी में डिसॉल्व करो, और वो क्या प्रोड्यूस कर दे, एच पॉजिटिव आयन, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन। अगर किसी सब्सटेंस को हम वाटर में डिसॉल्व करें, वाटर को ना आपकी बुक में लिखता है एक्वस मीडियम, कि जब किसी सब्सटेंस को एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया जाता है और वो वहां क्या प्रोड्यूस कर दे, हाइड्रोजन आयन, एच पॉजिटिव आयन, तो बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, के आ सब्सटेंस। इसकी डेफिनेशन लिखने लगा हूं एसिड के अकॉर्डिंग टू आर्हिनियस, के आर्हिनियस के मुताबिक एसिड को क्या करना चाहिए। तो ये क्या करेगा जी, आ सब्सटेंस दैट गिव एच पॉजिटिव आयन इन द एक्वस मीडियम इज कॉल्ड एसिड। कहता है उसको आपने क्या बोल देना है, एसिड। कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व करने पे क्या दे दे, एच पॉजिटिव, आपने उसे क्या बोलना है, एसिड। कहता है एक जनरल रिएक्शन लिखता है, ये लेकिन हम यहां हेडिंग लगाएंगे जनरल रिएक्शन। फिर मैं आपको इसके असल रिएक्शन भी करके दिखाता हूं, मैं कुछ असल एसिड लूंगा। देखो बच्चों, ये मेरे पास है एक जनरल एसिड एच ए, मैं इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करूं तो ये उसके अंदर क्या प्रोड्यूस कर देगा, एक एच पॉजिटिव आयन प्लस ए नेगेटिव। इसका मतलब है इसने एच पॉजिटिव दे दिया, मींस ये क्या है, एसिड। ये वो कहता है,
मैं अब एक्चुअल रिएक्शन लेता हूं, ये देखो HCl, मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूं, बच्चों ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एच पॉजिटिव आयन प्लस सी एल नेगेटिव आयन। देखो एच पॉजिटिव दिया, इट्स मीन के एच सी एल क्या है, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं, देखो एच एन ओ थ्री, मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं, तो बच्चों ये क्या प्रोड्यूस करता है, एच पॉजिटिव आयन प्लस नाइट्रेट आयन। देखो एच पॉजिटिव दिया, इट्स मीन ये भी क्या है, एसिड। ये मेरे पास है H2SO4, बच्चों मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूं, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, दो एच पॉजिटिव आयन प्लस SO4-2। देखो इसने तो अल्हम्दुलिल्लाह दो एच पॉजिटिव दे दिए हैं, इट्स मीन के ये भी क्या है, एसिड। बच्चों मेरे पास है ये एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको भी मैं अगर वाटर में डिसॉल्व करूं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक एच पॉजिटिव आयन और साथ में एसीटेट आयन CH3COOH। इट्स मीन कि ये भी क्या है, एसिड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जिनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बच्चों वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एच पॉजिटिव आयन। इट्स मीन कि हर वो सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करो और वो वहां क्या प्रोड्यूस करे, एच पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन, तो बच्चों उसे क्या बोल देना है आपने, एसिड। ये मैंने एग्जांपल सारे शेयर किया, ठीक हो गया, ये है जी एग्जांपल एसिड। अब बात करते हैं बेस क्या होती है। एक बेस बेबी को पसंद था, वो वाला बेस। बेस आर्हेनियस कहता है कि हर वो सब्सटेंस जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करें और वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, बच्चों इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सल आयन। कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने पे क्या प्रोड्यूस करे, हाइड्रोक्सल आयन, OH नेगेटिव आयन, उसे हम क्या बोलेंगे, बेस। तो हम हेडिंग लगाते हैं बेस की, और मैं हमेशा कंजूसी करता हूं, मैं इसी के ऊपर ही बेस को डिफाइन करता हूं, आप लोग भी कर सकते हो लेकिन लैदा लिखते। ये है जी बेस, हम लिखेंगे अ सब्सटेंस दैट गिव OH नेगेटिव आयन in the aqueous medium is called base। बच्चों कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या प्रोड्यूस करे, हाइड्रोक्सल OH नेगेटिव आयन, उसे हमने क्या नाम देना है, बेस का। ये कौन बोलता है, आर्हेनियस बोलता है बेस के बारे में, कि उसके मुताबिक उसको लगता है कि कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करेगा उसका नाम क्या होगा, बेस। अब पता नहीं ये बात ठीक है या गलत, ये तो हम आगे जाके देखते हैं ना, हम और लॉ भी पढ़ेंगे, इसके लिमिटेशंस भी देखेंगे, लेकिन उसके मुताबिक उसके लिए उसने जो बेस की डेफिनेशन की वो यही की कि किसी भी सब्सटेंस के पास एबिलिटी कि वो एक्वस मीडियम में क्या प्रोड्यूस करे, हाइड्रोक्सल आयन, हाइड्रोक्सल आयन दे दे, उसको बोल दो बेस। आए जनरल रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, ये उसने लिया जी BOH, जब उसने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने बच्चों वाटर के अंदर क्या प्रोड्यूस किया जी, दो चीजें प्रोड्यूस की, एक OH नेगेटिव आयन
प्लस बी, इस तरीके से उसने कहा लो भाई ये जो बी ओ एच है ये क्या है बेस, क्यों, क्योंकि इसने वाटर में डिजोल्व होने पे क्या प्रोड्यूस कर दिया ओ एच नेगेटिव आयन। तो कोई भी चीज जो ओ एच नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग आपने उसे क्या बोलना है बच्चों बेस। मैं आपके साथ वाह एग्जाम्पल है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और मैं करने लगा। तो चलो जी मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। सबसे पहली एग्जाम्पल और बड़ी मशहूर है सबसे अच्छी बेस, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये देखो आप कभी भी NaOH को बच्चों वाटर में डिजोल्व करो ना, इसने हमेशा ये चीज प्रोड्यूस कर दी, एक Na पॉजिटिव आयन और एक OH नेगेटिव। ये देखो उसने हाइड्रोक्सल आयन बना दिया। इट्स मीन के अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस NaOH क्या होगी बेस। मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको भी आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करो बच्चों तो इसने क्या प्रोड्यूस करना है K पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। एक और मेरे पास एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH twice, बच्चों मैं इसको भी वाटर में डिसॉल्व करूं तो ये भी क्या प्रोड्यूस करता है एक Ca पॉजिटिव 2 प्लस 2 OH नेगेटिव। देखो इसने भी क्या प्रोड्यूस किया हाइड्रोक्सिल आयन, इट्स मीन के ये भी क्या है एक बेस। देख लास्ट एग्जांपल आपके साथ शेयर करने लगा हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, बच्चों आप इसको वाटर में डिसॉल्व करो तो ये क्या प्रोड्यूस करता है एक अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। इट्स मीन के ये भी क्या है बेस। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एनी स्पीशीज दैट हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस द हाइड्रोक्सिल आयन इट विल बी बेस, उसे हम क्या बोलेंगे बेस। ये एग्जांपल थी बेस। अब आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट भी है आपका, और जब ये लॉन्ग आया होता है इसके अंदर आप ये सारी बातें लिखने के बाद एंड पे आप लोग हेडिंग लगाते हो लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, के इसके अंदर लिमिटेशंस कहते हैं खामियां, इस कॉन्सेप्ट की खामियां क्या है, क्या ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है, क्या ये सारे सब्सटेंस आप इसकी मदद से मालूम कर सकते हो कि एसिड कौन है और बेस कौन है, नहीं कर सकते। तो इसके अंदर कुछ खामियां हैं, उन खामियों को हम बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग लगाओ लिमिटेशंस, आपकी बुक में दो लिमिटेशंस हैं, मैं आपको दो वो बताने लगा हूं। लिमिटेशंस, पहली लिमिटेशन बच्चों ये देखो, मैंने जब भी किसी एसिड या बेस का पता करना चाहा उसके लिए मैंने उसे किसमें डिसॉल्व किया एक्वस मीडियम में, ये देखो। तो क्या हम लोग आर्हेनियस के मुताबिक किसी एसिड या बेस को नॉन एक्वस मीडियम में मींस हम उसे वाटर में डिसॉल्व ना करें क्या ऐसे पता कर सकते हैं, कभी भी नहीं। तो बच्चों याद रख लेना ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर द एक्वस मीडियम, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द सब्सटेंस या इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस इन नॉन एक्वस मीडियम, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एक्वस मीडियम। तो पहला हम लिखते हैं इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एक्वस मीडियम
इट कैन नॉट एक्सप्लेन एसिड एंड बेस बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम मींस मेरे पास ये एक सब्सटेंस है, मैं कहूँ बताओ भाई ये एसिड है या बेस, जब तक आप इसको पानी में डिजोल्व नहीं करोगे आप मुझे नहीं, मींस ये नॉन एक्वस मीडियम में किसी भी सब्सटेंस के बारे में नहीं बता पाता कि क्या ये एसिड है या बेस है। हालांकि अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे और कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे हमने पढ़ने हैं, हमने चीज को वाटर में डिजोल्व किए बगैर भी हम बता सकते हैं कि क्या ये एसिड है या बेस। अब बेटा सेकंड जो हमारा सेकंड लिमिटेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो सेकंड है उसके ऊपर बात करते हैं। सेकंड लिमिटेशन, अगर किसी सब्सटेंस के पास बच्चों ना तो एच पॉजिटिव हो और ना ही ओएच नेगेटिव हो, ऐसे को कैसे पता लगा? लाइए देखो, मैं आपको सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूं CO2 की, मैं एग्जांपल देता हूं आपको BFC। अब इन दोनों सब्सटेंस में जरा गौर से देखो, ना तो H मौजूद है ना OH मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि इसका कैसे पता लगाओगे कि ये एसिड है या बेस है या ये एसिड है या बेस है? मीन्स अगर किसी सब्सटेंस के पास एच पॉजिटिव हो तो हम कहेंगे कि जी ये एच पॉजिटिव दे रहा होगा तो वो क्या होगा, एसिड। अगर उसके पास ओएच नेगेटिव है तो वो, क्योंकि आपने एग्जांपल में देखा जो भी मैं एसिड लेता था उसमें एच पॉजिटिव मौजूद होता था, जो भी मैं बेस लेता था उसमें क्या मौजूद होता था, ओएच नेगेटिव। वहां तक तो बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हमारे पास मोस्टली बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी तो हैं, ऐसे सब्सटेंस भी तो हैं जिनके पास ना एच पॉजिटिव है ना OH नेगेटिव है, तो अगर उनकी एसिडिक बेसिक नेचर का बताना हो कि ये एसिड है या बेस है तो कैसे बताओ? तो बच्चों हम कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी एसिड बेस नेचर को ये आर्किनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और आगे जब आप जाओगे नेक्स्ट आपने दो और इसके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं एसिड बेस के, जिसमें एक है लोरी ग्रॉन्स्टेड और एक है आपके पास लेविस कॉन्सेप्ट, इनके अकॉर्डिंग फिर आप और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी आपने एसिडिक बेसिक नेचर का पता कर सकते हो। लाइक आप यहाँ सेकंड में आप ये लिख दोगे कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द मैनी सब्सटेंस एंड देयर एसिडिक बेसिक नेचर, ये बहुत सारे सब्सटेंस की एसिडिक बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी एच पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो हम यहाँ जस्ट एक लाइन लिख लेंगे कि इट सेकंड बच्चों इट कैन नॉट एक्सप्लेन मैनी इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ मैनी सब्सटेंस सच एज CO2, BF3, etc., which do not have H positive or OH negative. Okay, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग H positive और OH negative वाली तो बात बड़ी ओके अच्छी है, हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन वो सब्सटेंस जिनके पास
ना तो एच पॉजिटिव है और ना ही ओ एच नेगेटिव है, बच्चों उनको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज? कभी भी नहीं कर सकते। तो ये हमारी सेकंड लिमिटेशंस है लेवलेस कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वाह वाह समझ आ गई होगी। ओके।